फ्रेंड्स, आज बाजार में बहुत ही जबरदस्त गिरावट हुई। जो परसों हमारी तेजी बनी थी उससे ज़्यादा गिरावट आज हो गई, यानी जो सारा बेनिफिट था वो सारा खत्म हो गया और बाजार में फिर से मायूसी का वातावरण बन गया। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह बनी इंटरनेशनल रीज़न। सभी ग्लोबल मार्केट बहुत ही बुरी तरह से क्रैश हुआ, उसका असर हमारे बाजार में भी पड़ा और आज गिरावट हो गई। अब आगे क्या संभावना बन रही है? क्या फिर से गिरावट होने वाली है या फिर कुछ तेजी बन सकती है? क्या हमें कुछ राहत मिल सकती है? तो यहाँ पे एक अच्छी खबर निकल के आ रही है। क्या है बाजार के लिए अच्छी खबर, उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ कुछ पॉजिटिव सिग्नल बन रहे हैं जिसकी वजह से हो सकता है कि कल हमें थोड़ी सी पॉजिटिव शुरुआत देखने को मिले, लेकिन अभी भी कुछ रीजन है जो बहुत ज़्यादा निगेटिव है। तो सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से और हमें क्या करना चाहिए, तो जाने माने रिसर्च एनालिस्टों की राय लेंगे और इस समय क्या स्ट्रेटेजी हमें अपनानी चाहिए जिससे आने वाले समय में हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो और जो हमारा लॉस हो वो मिनिमाइज हो सके। तो सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले BSE सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। तो BSE सेंसेक्स 52,792 पर आ चुका है, जहां पे 1,416 पॉइंट की बड़ी गिरावट हुई, यानी 2.61% गिरा हमारा BSE सेंसेक्स। और शुरुआत ही जबरदस्त गिरावट के साथ हुई थी, यानी 900,000 पॉइंट की गिरावट के साथ में शुरुआत हुई थी और पूरे दिन वही रहा, बाजार में कहीं पे भी कोई राहत मिली नहीं। निफ्टी 50 की बात करें तो 15,809 पर आ चुका है, जो 16,000 का मजबूत जो सपोर्ट था वो टूटा वापस और आज 430 पॉइंट की गिरावट हुई, यानी 2.65% निफ्टी 50 भी गिरा। अब यहाँ पे जो गिरावट हो रही है इसके पीछे आज की सबसे बड़ी वजह FI की जबरदस्त सेलिंग। FI ने आज फिर से दो दिन की राहत के बाद भयंकर आज सेलिंग की है। अब आज के आंकड़े देखें तो FI ने आज 6,389 करोड़ की नई खरीदारी की, लेकिन सामने 11,289 करोड़ की बड़ी बिकवाली कर दी। तो इस तरह से आज जो FI की बिकवाली है वो है 4,899 करोड़ की, तो बड़ी बिकवाली है। और सामने हमारे बड़े फंड हाउस ने जो खरीदारी की वो है करीब 7,414 करोड़ रुपीज़ की, और जो उन्होंने बिकवाली की वो है 4,188 करोड़ रुपीज़ की। तो जो शुद्ध खरीदारी उनकी है वो है 3,225 करोड़ रुपीज़ की। तो आप देखोगे फंड हाउस की जो खरीदारी है उसके सामने बिकवाली बहुत ज़्यादा है और नतीजा ये रहा कि आज हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली। पिछले कई दिन से आप देखोगे तो FI लगातार बिकवाल बने हुए, लेकिन उसमें थोड़ी सी कमी आई थी जिससे लगता था कि हमें राहत मिलेगी, लेकिन आज फिर से भयंकर बिकवाली हो गई। 11 मई को इन्होंने करीब 449 US मिलियन डॉलर की बिकवाली की थी, 12 मई को 388 US मिलियन डॉलर की बिकवाली की, 13 मई को 619 US मिलियन डॉलर माल बेचा, 17 मई को 454 US मिलियन डॉलर की बिकवाली की और 18 मई को 214 US मिलियन डॉलर की बिकवाली की। तो आप देखो इससे लगा कि हमें कुछ अब आगे उनकी खरीदारी शुरू होगी, लेकिन आज ऐसा हुआ नहीं, फिर से बड़ी बिकवाली होगी, जिससे एक बात समझ में आ रही कि FI अभी भी हमारे बाजार पर भरोसा बिल्कुल नहीं कर रहे। यहाँ पे बड़े फंड हाउस लगातार बाजार को संभालने की कोशिश कर रहे। 12 मई को इन्होंने 4,815 करोड़ रुपीज़ का माल नया खरीदा, 13 मई को 3,169 करोड़ रुपीज़ की खरीदारी की, 16 मई को 1,428 करोड़ की खरीदारी की, 17 मई को 2,294 करोड़ की खरीदारी की, 18 मई को उनकी भी खरीदारी बहुत कम थी, यानी 375 करोड़ की ही खरीदारी की, और इस वजह से आप देखोगे तो कल हमें गिरावट का सामना करना पड़ा। यहाँ पे म्यूचुअल फंड भी अपनी तरफ से कोशिश करें बाजार को संभालने की। 9 मई को इन्होंने 2,001 करोड़ बीच का इन्वेस्टमेंट किया, 10 मई को 1,892 करोड़ बीच का इन्वेस्टमेंट किया, 11 मई को 2,827 करोड़ बीच का नया इन्वेस्टमेंट किया और 12 मई को 3,100 करोड़ बीच का नया निवेश किया और 13 मई को 536 करोड़ बीच का नया निवेश किया। तो म्यूचुअल फंड भी अपनी खरीदारी कर रहे, लेकिन यहाँ पे बिकवाली भारी पड़ रही है FI की। FI लगातार बिकवाली कर रहे और इस वजह से वातावरण बिगड़ा हुआ है। यहाँ पे जो इंडियन रुपीज़ है वो भी काफ़ी कमज़ोर हो रहा है, लेकिन एक राहत है कि ऊपर के लेवल से थोड़ी सी हमें आज इसमें थोड़ी सी राहत मिली है, यानी अभी फिलहाल इंडियन रुपीज़ है वो डॉलर के सामने 77.50 की प्राइस है, कल ये 77.82 तक पर चला गया था, तो उसमें कुछ अभी राहत मिली है जो एक अच्छी सी खबर है। दूसरी एक अच्छी राहत मिल के आ रही है क्रूड ऑयल की तरफ से। क्रूड ऑयल लगातार बढ़ने के बाद अब थोड़ा सा वापस दबाव में आने लगा है। WTI क्रूड फिलहाल 106 पर है, जहाँ पे 3.31% की बड़ी गिरावट है। ब्रेंट क्रूड की बात करें तो 106 पर है, जहाँ पे 2.36% की गिरावट है। अगर ऐसे ही क्रूड ऑयल में दबाव रहेगा तो फिर बाजार में थोड़ा सा पॉजिटिव माहौल बन सकता है। फिलहाल गोल्ड की प्राइस में भी थोड़ा सा नीचे से उछाल आना शुरू हुआ है, 52,250 पर आया, 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड की प्राइस है आज की, और ये भी बहुत नीचे चला गया था, तो वहाँ पे आप देखोगे तो थोड़ी सी राहत आप देखोगे तो गोल्ड को भी मिली है, रुपीज़ भी थोड़ा मजबूत होने लगा है, क्रूड ऑयल की प्राइस दबने लगी है।
तो ये जो रीज़न है कि बाजार को थोड़ा सा संभाल सकते हैं, अब बड़ी मुझे लगता है कि जितनी बड़ी आज गिरावट उतनी गिरावट की अब संभावना नहीं दिख रही है। तो मार्केट के जो एनालिस्ट हैं उनका कहना है कि अमेरिका की रिटेल कंपनियों के हाल के आंकड़ों से ये साफ होता है कि महंगाई की उच्च दर कंपनियों के कारोबार पर कितना निगेटिव असर डाल रही है। अमेरिका के दिग्गज रिटेलर टारगेट कॉरपोरेशन के शेयर में ईंधन और माल भाड़े के बढ़त के चलते 26% की से ज़्यादा की गिरावट देखने को हमें मिली है। अब अमेरिका में इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर चिंता पैदा हो गई है। बता दें कि अभी एक दिन पहले ही वॉलमार्ट INC ने अपने नतीजे जारी किए थे और जिसमें अपने अर्निंग में अनुमान जो थे उसमें कटौती कर दी। एनालिस्ट का कहना है कि आने वाले समय में महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई और मंदी का डर, US फेड के रवैये और आने वाले समय में कुछ कड़ाई के जो निर्णय लिए जा सकते हैं उन सारा असर है जो ग्लोबल मार्केट में बहुत ज़्यादा दबाव बन रहा है और इस वजह से अमेरिकन मार्केट भी बहुत ज़बरदस्त टूटा। अब यहाँ पे देखें तो LKP सिक्योरिटीज़ के रूपक डे का कहना है कि गिरावट के साथ खुलने के साथ ही निफ्टी पिछले स्विंग लो की तरफ फिसल गया है। चूंकि निफ्टी 16,000 के नीचे फिसल गया है इसलिए ट्रेंड निगेटिव हो गया है। अब निफ्टी के लिए 15,671 का पहला सपोर्ट है। अगर ये निफ्टी से इस सपोर्ट को तोड़कर नीचे जाता है तो फिर 15,400 का सपोर्ट आएगा और ऊपर की तरफ अगर निफ्टी जाएगा तो फिर 16,000 का रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो ये फिलहाल इसकी लेवल दिख रहे। अब कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान का कहना है कि एशियन और यूरोपियन बाजार में आई बिकवाली के चलते भारतीय बाजार में भी गोता लगाते नजर आ रहे हैं। आज के कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में 53K और 16K के मनोविज्ञान स्तर के लेवल को नीचे तोड़ा है जो एक बाजार के लिए अच्छी बात नहीं है। निवेशक स्टैक फ्लक जोखिम और US की फेड की रिजर्व की जो दर बढ़ी है और FI की तरफ से जो लगातार सेलिंग प्रेशर बना हुआ है वो बाजार के लिए फिलहाल अभी तेजी में आने की संभावना बहुत कम दिख रही है। इसके अलावा निफ्टी के आज गैप डाउन में ओपनिंग के बाद बेयरिश कैंडल बनाया है जो वर्तमान लेवल से और कमजोरी आने के संकेत दे रहा है। वर्तमान में निफ्टी 15,700 से लेकर 15,750 के सपोर्ट लेवल के करीब कारोबार कर रहा है। ऐसे में अगर निफ्टी 15,700 के ऊपर रहने में कामयाब रहता है तो पुल बैक रैली की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रेडर्स के लिए सलाह है कि फिलहाल 15,900 के नीचे बना हुआ है तब इस करेक्शन की आने की संभावना बनी रहेगी और 15,700 का स्तर एक बार से इसने छू लिया है और वापस छू सकता है। इसके बाद ये गिरावट 15,600 तक भी जा सकती है। वही निफ्टी अगर 15,900 का लेवल पार कर जाती है तो फिर 16,000 और फिर 16,100 का स्तर भी हमें देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल आप देखो तो रेंज बाउंड बना हुआ है और इसीलिए जो इन्वेस्टर है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इस समय आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना है बाजार के लिए, नई पोजिशन एग्रेसिव तरीके से न बनाए। जियोजित फाइनेंशियल के रिसर्च हेड विनोद नायर का कहना है कि महंगाई बढ़ने से अमेरिकी बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है और विदेशी इन्वेस्टर लगातार बिकवाली से भारतीय बाजार पर जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है। तेजी से उतार चढ़ाव वाले मार्केट में इन्वेस्टर FMCG सेक्टर और फार्मा सेक्टर में फोकस कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म बेसिस पर इनके वैल्यूशन काफ़ी अच्छे लग रहे, रीजनेबल वैल्यू पर चल मिल रहे। तो विनोद नायर का कहना है कि आपको FMCG सेक्टर और फार्मा सेक्टर में इस समय ध्यान देना चाहिए, उसमें काफ़ी अच्छे स्टॉक है जो इस समय आपको निवेश के लिए प्रेरित करेंगे, उसमें निवेश करना चाहिए। आने वाले समय आपको बेहतर रिटर्न मिल सकता है क्योंकि वो काफ़ी फेयर वैल्यू पर मिल रहे हैं। यहाँ पे एक बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। इंडोनेशिया ने कहा है कि 23 मई से वो पाम ऑयल के ऊपर से जो एक्सपोर्ट के ऊपर जो बैन लगाया था उसको हटा देगा। देश के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने गुरुवार को यह ऐलान किया है। पाम ऑयल की जो प्राइस बढ़ी थी उसकी वजह से दूसरे ऑयल में भी बहुत ज़्यादा दबाव आया और सबकी प्राइस बढ़ने लगी थी। तो इस समय जिस तरह से इन्होंने बैन हटाने का जो ऐलान किया इसकी वजह से जो हमारी तेल की जो कीमतें हैं उसमें कमी आ सकती है और इस वजह से थोड़ा सा जो महंगाई है उसमें जो है धीरे धीरे कम हो सकती है। तो आप देखोगे कि पाम ऑयल हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट करते और इसका ज़्यादा इफेक्ट हमें देखने को मिला था और इस वजह से ये जो निर्णय लिया गया है इंडोनेशिया की तरफ से कि वो 23 मई से अपने एक्सपोर्ट के ऊपर से बैन हटाने जा रहा है ये बाजार के लिए एक वेलकम करने वाली बात है। तो फिलहाल आप देखोगे आज बाजार में बहुत भयंकर गिरावट थी। 30 जो इंडेक्स के जो शेयर है उसमें से सिर्फ 2 शेयरों में तेजी थी, जिसमें ITC जिसने आज अपना रिजल्ट पेश किया बहुत ही बेहतरीन आंकड़े थे और मैंने ITC में आपको लगातार सजेस्ट भी किया कि इसमें खरीदारी करनी चाहिए। सेकंड था डॉक्टर रेड्डी, बाकी सभी स्टॉक लाल थे। अब आपको ये ध्यान रखना है कि बाजार में कुछ पॉजिटिव सिग्नल मिलने लगे जिसकी वजह से लगता है कि कल बड़ी गिरावट तो नहीं हो सकती लेकिन फिर भी कह नहीं सकते। अगर अभी अमेरिकन बाजार खुले नहीं है, बाजार अगर अमेरिकन खुलते और ग्लोबल मार्केट में बड़ी गिरावट हो जाती है तो फिर से कल हमें गिरावट का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको सिर्फ क्वालिटी स्टॉक में दाव लगना चाहिए, वो भी थोड़ा थोड़ा करके निवेश करें और इस समय आपको SIP करना चाहिए, यानी थोड़ा थोड़ा सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहिए। और इसके लिए ऑलरेडी आज मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने 10 ब्लू चिप के बारे में आपको बताया। ये एक शानदार स्टॉक है, जितने भी हैं इनमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो आने वाले समय में आपको बेहतर रिटर्न मिल सकता है। तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं जहाँ पे आपको अच्छे वाले ब्लू चिप टेन स्टॉक में निवेश कैसे करना है
और वो सारी संभावना वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो जरूर आप वीडियो देखें, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।